एक बार फिर खुशामदीद आपको प्यारा रमजान में। और अब हम क्योंकि मौजूद हैं डालडा किचन मास्टर के सेट पर, और जावेद शेख साहब हमारे साथ इस किचन में आ गए हैं। शेख साहब खुद बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, शेख साहब जरा बताइएगा क्या क्या खाने में बहुत अच्छा बना लेते हैं। नहीं मैं तो एक्चुअली देखे जो लोकल हमारी पाकिस्तानी डिश वो मैं नहीं बना सकते, उसमें से एक डिश बनाता हूँ मैं, चिकन विद मशरूम। वो मेरी अपनी रेसिपी है, वो भी पाकिस्तानी ना हुई, बस समझे कॉन्टिनेंटल डिश ही हो गई ना हमारा। हाँ, हाँ। तो वो उसके अलावा मैं चाइनीज, जैपनीज, इटालियन, फ्रेंच, इस टाइप के खाने। अगर आपको भी डालडा किचन मास्टर में मौका मिले जीत सकते हैं आप। यस, मैंने लाहौर में एक वो कुकिंग का हुआ था और उसमें मैं जीत नहीं सका बट सेकंड आया था। क्या बात है, बट अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट, शौक है मुझे बहुत। क्या असल में पैशन होना बहुत जरूरी है कुकिंग का, और यहाँ डालडा किचन मास्टर में जितनी खवातीन ऑडिशन से लेकर यहाँ तक पहुँची हैं उनमें पैशन है, चाहत है कुकिंग की, और यही चाहत उनको लेकर जाएगी फाइनल तक। और फाइनल में आप जानते हैं जो भी जीतेगा ये कॉम्पिटिशन उसे बहुत सारे मिलेंगे तहाइफ, जिसमें से एक बड़ा तोहफा होगा 1,00,000 रुपए कैश प्राइज फ्रॉम राबिया अनम सैलॉन, जो कि मेरा अपना सैलॉन है और कराची में है इसकी ब्रांचेस। तो आपको इसकी सैलॉन की तरफ से, मेरी तरफ से मिलेंगे 1,00,000 रुपए। क्या आप हो सकती हैं वो खुशनसीब, ये पता चलेगा। लेकिन वेलकम शेफ अमारा, आपको सेट पर खुशामदीद कहते हैं। आपकी तरफ आने से पहले हम दिखाएंगे आज क्या बनने जा रहा है, कौन से मुल्क की खास डिशेस बनेंगी डालडा किचन मास्टर में, आइए देखते हैं। बांग्लादेश आबादी के लिहाज से दुनिया है। क्या बात है जी, बांग्लादेश के बारे में आपने देखा ये पैकेज हमारा, बताइए क्या आज ऐसा ही कुछ बनने जा रहा है, और अपने कंटेस्टेंट से भी हमें मिलवाइए। जी हाँ, तो हम मौजूद हैं अपने डालडा किचन मास्टर में, और आज मेरे साथ दो नए कंटेस्टेंट हैं। क्या बताइए, आज मेरे साथ दो नए कंटेस्टेंट हैं, मरियम और सहरेश। आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं, हो जाता है, कभी कभी गर्मी लग जाती है। मरियम और सहरिश के बारे में हम आपको बताएंगे इस पैकेज में, फिर वापस आते हैं और मजेदार सीन से डिशेस बनवाते हैं, बांग्लादेशी डिशेस। देखिए पैकेज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मरियम हारिस है और मैं बाय प्रोफेशन बेकरी शेफ हूँ। इस कंपटीशन में आई हूँ मैं एक बहुत ही अच्छे मोटिव के साथ कि मैं आगे जा सकूँ और अपने ही प्रोफेशन में अपना नाम बना सकूँ। मैंने जब शुरू किया था अपना प्रोफेशन तब मुझे कोई नहीं जानता था, लेकिन मेरा शौक और मेरी लगन इस चीज़ को आगे लेकर आती रही और मैं अपनी मेहनत नहीं छोड़ी। हर किसी ने मुझे बोला कि नहीं ठीक है, अब हो गया, अब बस शौक पूरा कर लिया, घर में बना लो एक्सेट्रा। मेरी जब शादी हुई और मेरी शादी के बाद मेरे इन लॉज ने मुझे इस चीज़ के लिए सपोर्ट किया और मोटिवेट किया कि नहीं, सिर्फ घर में नहीं बैठना, अपने ही पैशन को आगे बढ़ाओ, बाहर लेके जाओ और कुछ बन के दिखाओ, अपना नाम खुद बनाओ। और आज मैं यहाँ पे इस कंपटीशन में हूँ अपने इन लॉज की वजह से, अपने हस्बैंड की वजह से और अपनी पैशन की वजह से, और अपना पैशन और अपना शौक मैं आगे लेके जा रही हूँ और इस कंपटीशन में आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह मैं ज़रूर जीतूँगी और आप लोगों की मोटिवेशन और आप लोगों का प्यार मुझे ज़रूर मिलता रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सहरिश रिज़वी है। मैंने अपना बिज़नेस, मेरी भांजियों ने मेरा बिज़नेस स्टार्ट करवाया। मेरी भांजियों ने अपने ग्रुप पे डाले थे मेरे डोनट की तस्वीर, क्योंकि मेरी भांजियों को डोनट बहुत ज़्यादा पसंद थे। तो जब मैंने उनको बना के दिए ना,
तो उन्होंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाले, फिर वहाँ से मुझे ऑर्डर मिले। वहाँ से मेरा पहला डोनेट का ऑर्डर था 36 डोनेट। मैंने वहाँ से अपने डोनेट स्टार्ट की। फिर उसके बाद मैंने कप केक, फिर केक्स, फिर सालन, फिर नहारी, यहाँ से मैंने मेरी स्टार्टिंग शुरू हुई। और मेरे पापा ने मेरा बहुत साथ दिया, हमेशा मुझे अप्रिशिएट किया। और जब मैं कहीं से कोई अवार्ड वगैरह जीत के आती थी ना, मेरे पापा सबसे पहले मुझे गले लगा के पूछते थे, और भाई क्या हुआ, पूरी कहानी मुझे सुनाओ। इंशाल्लाह मैं अपने बिजनेस को और ज़्यादा आगे बढ़ाऊँगी। मैं इंशाल्लाह अपना रेस्टोरेंट खोलूँगी। मैं उन खवातीन को ये मैसेज देना चाहती हूँ जो घर में खाना पकाती हैं, कि वो आगे बढ़ें, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए और अपने भाइयों का, अपने शौहर का के साथ शाना बशाना चलिए। क्या बात है यार, क्या खूबसूरत स्टोरीज, कितनी प्यारी हैं आज की दोनों कंटेस्टेंट। कितनी अच्छे तरीके से इन्होंने अपने पैशन के बारे में बताया। जब कोई चीज आपका शौक और पैशन होती है तो फिर आप कहीं एक्सेल करते हैं, कहीं फेल भी हो जाते हैं, लेकिन आप हार नहीं मानते। शेख साहब, आपके साथ करियर क्या आज में ऐसा हुआ, आप कई जगह पर फेल हुए लेकिन आप आगे बढ़ते रहे? बहुत दफा। आप यकीन करें कि मैं जब रेडियो पे ऑडिशन देना गया, 6 दफा रिजेक्ट हुआ। 6 दफा रिजेक्ट होने के बाद भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। सोचे अगर उस वक्त आप कहते कि यार ये मेरे बस की बात नहीं, मैं छोड़ देता। नहीं, ना ना, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। आसमान को छूने के लिए पांव जमीन पर रखने पड़ते हैं, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, जज्बा होता है, और तब आप में जलना पड़ता है। यस, गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ती है, फिर आपको काम मिलता है। और इसी तरह धूप और गर्मी बर्दाश्त करती हैं किचन में हमारी खवातीन, जैसे अमारा है। अमारा का आपको मैं बताऊं शेख साहब, ये पाकिस्तान की पहली मास्टर शेफ है। आप देखते ना मास्टर शेफ के कॉम्पिटिशन, ये वो जीतकर एंड घर से खाना बनाते बनाते मास्टर शेफ तक पहुंची और जीती। ये है पहली पाकिस्तान की मास्टर शेफ। तो ये भी यहाँ मौजूद है, फिर ये दोनों यहाँ मौजूद है। क्या पता कि जो हमने 20 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया उनमें से इन दोनों में से कोई एक हो जो आगे बढ़ जाए। बताइए हमारा, इनका क्या टास्क है आज का, क्या बना रही हैं ये दोनों? जी, तो आज का टास्क है, जैसा कि आप जान चुके हैं, बांग्लादेश। इन दोनों को बांग्लादेश की डिश बनानी है, लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है। अच्छा, लेकिन वो ट्विस्ट मैं अभी रिवील नहीं करूंगी, वो थोड़ी देर बाद करूंगी। ओके, आप दोनों को मैं ये बताती चलूं कि मैं आप लोगों को जो जज करूंगी, आपने, मैं आप लोगों की ओवरऑल एग्जीक्यूशन, अपीयरेंस और टेस्ट, इस पे मैं जज करूंगी। किचन में परफॉर्मेंस कैसी है आपकी, इसको मैं आप पे नजर रखूंगी। इसके अलावा प्लेटिंग का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्लेटिंग हमारे यहाँ इतना फोकस नहीं करते लोग, हम आंखों से खाते हैं। हाँ, समिया की तरह, बस इतना यहाँ पे ध्यान नहीं दिया जाता प्लेटिंग पे। हाँ, और टेस्ट तो मैटर करता ही है, बहुत ध्यान रखिएगा भाई, टेस्ट बहुत मैटर करता है। हम तुम्हारे खाने से अफ्तार करते हैं, सोचो कितना बड़ा हमारा ये इम्तिहान। और कल जो मेरे साथ हुआ है वो सिर्फ मुझे पता है। आज बहुत ख्याल रखिएगा, जो चीज पका रहे हो चेक कर लीजिएगा कि वो कुक्ड होनी चाहिए, रॉ ना हो, ठीक है? तो आप राबिया, मेरे ख्याल में आप बताएं कि आज इनके पास कितना टाइम है अपनी कुकिंग? कितनी देर है भाई इनके पास? ताबिश 40 मिनट्स है इनके पास, और 40 मिनट्स का टाइम इनका कुछ ही देर में शुरू होगा। लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं अपनी ऑडियंस को बताऊंगी। कहां गए यहां पर यार? हाँ जी, ये है इंपॉर्टेंट बात, और वो ये है कि जब भी खाना बनाना होता है तो किचन हो जाता है गंदा, और सबसे ज्यादा किचन में जो खतरनाक काम लगता है वो क्या लगता है? बर्तन धोना। बिल्कुल सही कह रही हैं सहरेश और मरियम। लेकिन बर्तन धोना हो जाता है बहुत आसान जब आपके पास हो लेमन मैक्स। और लेमन मैक्स इसलिए क्योंकि ये पाकिस्तान का नंबर 1 डिश वॉशिंग ब्रांड है, जिसमें कितने लीमों की ताकत है? 1000। ओए होए, आज सबक याद करके आई है। मैं पूरे पाकिस्तान को याद करा दूंगी कि लेमन मैक्स में है 1000 लीमों की ताकत, जो सख्त से सख्त चिकनाई को भी तेजी से काटता है। और जो लेमन मैक्स का ये लॉन्ग बार है, ये महीना भर चलता है, ऐसा नहीं है कि ये जल्दी घुल जाए। और ये जो है, ये तो मेरा फेवरेट है भाई, इजी टू यूज और जबरदस्त प्रोडक्ट है। तो लेमन मैक्स से बर्तन धोएं ताकि आपका काम भी जल्दी जल्दी होता रहे, और परेशानी भी ना हो, हाथों में दर्द भी ना हो, सर में दर्द भी ना हो, और किचन साफ और चमकता हुआ रहे, टिंग इस तरह से। अच्छा जी, बताइए कि अब ये खवातीन बना क्या रही हैं, और 40 मिनट का इनके पास टाइम है। अभी मेरा ख्याल में इनको शुरू करने देते हैं। जी, शुरू करवाते हैं। शुरू कीजिए, आपका 40 मिनट का वक्त शुरू हो जाता है अब। और हम चलते हैं शेख साहब के पास। शेख साहब, मुझे ये बताइए कि किचन में हेल्प बच्चे भी करवाते हैं या किस तरह से होता है? शहरी अफ्तारियों में मैं तो खुद ही सारे काम करता हूँ। खुद ही करते हैं?
प्याज, टमाटर, अदरक, वो बारीक वाली कटिंग करते खुद ही खुद. आई लव इट. आप यकीन करें कि मैं जब पाकिस्तान से बाहर सफर करता हूँ तो मैं होटल्स में नहीं रहता. अच्छा. मैं अपार्टमेंट जाके रहता हूँ. हाँ. जिसमें किचन हो, होटल अपार्टमेंट. हाँ, यस. तो मैं उस वहाँ जाता हूँ और सबसे पहले ग्रोसरी शॉप पे जाता हूँ, वहाँ सामान खरीदता हूँ. क्या खाना है, क्या बनाना है, नाश्ते में क्या है, दोपहर को क्या है या रात को क्या है, जो मेरा दिल करता है वो मैं करता हूँ, वो मैं उठाता हूँ. लंदन हो, पेरिस हो, शेख साहब किसी भी आप दुनिया के मुल्क में जाएं या किसी बड़े शहर में जाएं, उसके ग्रोसरी स्टोर पे जाकर बड़ा मजा आता है. आपको वहाँ का कल्चर पता चलता है, लोग ओरिजिनल लोग, वरना टूरिस्ट स्पॉट्स पे तो सारे दूसरे ही लोग होते हैं, अलग किस्म के बकरे. मुझे तो इतना अच्छा लगता है, इतनी अल्लाह ताला का करम नजर आता है. आपने ऑलमोस्ट पूरी दुनिया तो घूम ली है. ऑलमोस्ट पूरी दुनिया घूमे है ना आप, सारे मुल्कों में. यस. कौन सी ऐसी जगह है जहाँ आपको जाकर बड़ी अपनाइयत फील हुई कि यार बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े दिल वाले लोग हैं? आई थिंक लंदन. लंदन में? यस यस. लंदन मैं पता नहीं कितने सालों से जा रहा हूँ और वो मुझे अपनाइयत लगती है. लंदन को मैं ऐसे जानता हूँ जैसे कराची को, कौन सी सड़क, कौन सा घर, कौन सी जगह, कौन सी मस्जिद कहाँ पे है, रेस्टोरेंट कहाँ है, होटल कहाँ है, गार्डन किधर है. सो आई नो एवरीथिंग अबाउट लंदन. और शेख साहब, लंदन की एक और बात ये, आपको हर तरह के लोग दिखते हैं. यस. yes. और हर कोई एक्सेप्ट कर रहा होता है दूसरे को. जी. ये कोई जजमेंटल नहीं होगा, कोई ये नहीं कहेगा फला ऐसा ऐसा. आपको मुसलमान भी दिख रहे हैं. यस. yes. बिल्कुल प्रॉपर मजहबी अटायर में भी दिखेंगे, बहुत ज्यादा मॉडर्न भी दिखेंगे, और सब एक्सेप्ट कर रहे होते हैं. लंदन के जो मेयर भी हैं, क्या जबरदस्त उनकी पर्सनालिटी है. रमजान में उन्होंने सब लोगों के साथ, दूसरे मजाहिब के बड़े बड़े लोगों के साथ भी, प्रीस्ट और सब लोगों को मिलाकर रोजा इफ्तार किया. बहुत. कि हम दिखाएं कि एक दूसरे को की एक्सेप्टेंस क्या. और हमारा इस्लाम तो यही सिखाता है, आपकी माइनॉरिटीज हो या कोई भी हो, उन्होंने मेयर बना दिया एक मुसलमान को, और हम यहाँ पर जो माइनॉरिटीज के साथ अक्सर बेशतर सलूक रखते हैं, वो ऐसे लोग ही एग्जाम्पल सेट करते हैं कि नहीं जी, हमारा दीन ऐसा नहीं. yes. हमारा दीन बड़ा प्यारा है. अभी अभी मैं कल परसों देख रहा था, एक वीडियो देख रहा था, तो न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर में तरावियां आप देख रहे हैं. अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, खूबसूरती दिखाई है. उधर टर्की में, हागिया सोफिया में जो है. yes. अजाने शुरू हुई है, तरावियां शुरू हुई है. तो ये मैं कहती हूँ खूबसूरती है, और अल्लाह ही अपने नाम को इस तरह से आगे बढ़ा रहा है. अल्हम्दुलिल्लाह. और अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में पैदा हुए, आजाद मुमलिकत में पैदा हुए. और अभी भी जो पॉलिटिकल चल रहा होता है ना शेख साहब, कहीं ना कहीं दिल में ये उम्मीद तो होती है ना कि सब अच्छा हो जाएगा. इंशाल्लाह हो जाएगा. इंशाल्लाह. जो नौजवान आपको देख रहे हैं उनको बताएं कि सब सेट हो जाएगा, टेंशन ना लें. इंशाल्लाह. देखिए जी, पाकिस्तान अपने इस वक्त बहुत ही गंभीर दौर से गुजर रहा है, बट आप अपना हौसला मत हारें. पाकिस्तान में बहुत सलाहियत है. हमारी पाक अफवाज जो है वो इस मुल्क की मुहाफिज है, और हमारा मुल्क पूरी दुनिया में माना जाता है. पाकिस्तान की जो आर्मी है, हमारे जो खिलाड़ी हैं, हमारे जो राइटर हैं, हमारा जो ड्रामा है, हमारे जो दूसरे साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, ये सब माशाल्लाह इतना अच्छा काम कर रहे हैं. तो एक थोड़ी सी खराबी है सियासत में, जो कि इंशाल्लाह बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी. और आप भी साथ दीजिए, आप दुआ कीजिए अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को इस टर्मोइल से निकाल दे. बस यही है. जबरदस्त जी, क्या अच्छा मैसेज गया है. और जो थोड़ी सी खराबी भी आपने कहा ना, वो उनको भी तो हमने ही पहुंचाया शेख साहब. हमने ही पहुंचाए है वो. yes. जो सियासतदान जो खराबी yes. पैदा कर रहे हैं. yes. जिम्मेदार हम ही है. हम ही से लोग हैं, चाहे मैं ना हूँ या yes. शेख साहब ना हूँ. yes. लेकिन हम मतलब अवाम ही है. बिल्कुल. हमने ही वोट दिए, और जिन्होंने वोट नहीं दिए, जो ये सोचते हैं वो भी जिम्मेदार है. एग्जैक्टली. वो भी जिम्मेदार है. लाहौर से जी कॉलर हमारे साथ है. अस्सलाम वालेकुम. कौन बात कर रही है? समन हमारे साथ है लाहौर से. जी समन, कैसी हैं आप? आप कैसी हैं? आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा, मैं बहुत शौक से देखती हूँ. आपके प्रोग्राम के सारे सेगमेंट बहुत अच्छे हैं. बहुत शुक्रिया समन. सबसे पसंदीदा सेगमेंट कौन सा है आपका? किचन का सेगमेंट बहुत अच्छा है. कल शाइस्ता हुई थी, वो भी बहुत प्यारी लग रही थी. शाइस्ता तो है ही बहुत प्यारी. आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मेरी आपके प्रोग्राम में कॉल मिल गई. लेकिन मैं इससे ज्यादा एक्साइटेड तब होंगे जब मुझे ईद के लिए आपसे सूट का गिफ्ट चाहिए. मेरे सूट का गिफ्ट चाहिए. देखो समन, हम ना बाकायदा भी थोड़ा से दिन गुजरने दो तो कॉम्पिटिशन रखेंगे, उसमें हम गिफ्ट करेंगे. ये जो मैं ड्रेसेस पहन रही हूँ ना, यही तुम लोगों को मिलेंगे. कोई टेंशन की बात नहीं है. नंबर जी समन का नोट कर ले. समन शेख साहब से कुछ पूछेंगे आप जावेद शेख साहब से? इनकी फेवरेट डिश कौन सी है? फेवरेट डिश क्या है जावेद शेख साहब? फेवरेट डिश
मैं चाइनीज। चाइनीज, यस। अच्छा, जो पाकिस्तान में चाइनीज मिलता है वो तो दो नंबर चाइनीज होता है शेख साहब, ओरिजिनल चाइनीज कुजीन बड़ी आला होती है। तो वो तो हम खा भी नहीं सकते ना, तो हम तो अपने मसाले जब तक ना डाले उस चाइनीज में तो वो मजा नहीं आता। अलग सी स्मेल होती है, बिल्कुल। अच्छा, आप कहीं भी किसी भी मुल्क में जाएं और उसके, जैसे आप फॉर एग्जांपल लंदन में ही चले जाएं और वहाँ के चाइनीज रेस्टोरेंट में जाएं, तो जाकर पता चलता है कि हम तो फ्रॉड चाइनीज खाते आ रहे हैं। चिकन मंचूरियन और शाशलिक और फला चीजें, तो चाइनीज कहते हैं भाई हमने नहीं बनाई है। फ्रेंच टोस्ट फ्रांस के लोग कहते हैं भाई हमारा नहीं है ये, पाकिस्तानियों ने बनाया। सिंगापुरियन राइस, वो किसी सिंगापुरियन बंदे को नहीं पता होगा कि राइस पाकिस्तान में कितने बिकते हैं हमारे नाम पे, लेकिन हमारे नहीं है ये। तो ये क्यों होता है हमारा ऐसा? बस यहाँ पे दरअसल जो हमारे टेस्ट बड्स है ना, वो जैसे स्पाइसी और चटपटा इस तरह डेवलप हुए हैं। फिर बहुत कम लोग हैं जिस तरह माशाल्लाह शेख साहब हैं, वो तो फिरे में उनको पता है फ्लेवर्स के बारे में, तो वो तो समझ जाएंगे, खाएंगे कि मतलब हाँ ये ऑथेंटिक फ्लेवर, एंजॉय करेंगे। लेकिन जो अक्सर जो मतलब लोग हैं वो नहीं समझते इन चीजों को, वो कहेंगे किस तरह कोई फ्लेवर ही नहीं है, इतना ब्लेंड है। हालांकि चाइनीज में बहुत स्पाइसी फूड भी होते हैं बहुत ज्यादा, तो ये बस चीजें हैं। अच्छा शेख साहब, मुझे अपने फिटनेस का तो राज बताएं, कोई कोई टोटके हैं खास? कुछ लोग होते हैं जी वो फला चीज, कोई टी पी रहे हैं या कुछ इस तरह से, कोई है आपका खास कोई टोटके या जिंदगी के साथ चलने वाली? देखिए, मैं समझता हूँ ये जो हेल्थ का है ये आपके हाथ में, आप बिल्कुल ठीक है। मैंने सुबह नाश्ते में क्या करना है, वो मुझे क्या खाना है वो मुझे पता है। मैं नाश्ते में मिसाल के तौर पर जब मैं खुद बनाता हूँ तो दो अंडे लेके या कभी ऑमलेट बना लिया उसका, या उसको हाफ फ्राई कर लिए, उसके साथ सैलेड के पत्ते साथ में होंगे, उसके साथ ऑलिव्स होंगे, ठीक है, उसके साथ चीज होगी, ठीक है, कॉटेज चीज उसके टुकड़े होंगे, उसके साथ स्मोक सामन होगा इतना सा पीस, ठीक है, और साथ में उनको काटता हूँ बेबी टोमेटोस। ओए होए होए होए, क्या बात है, ये पूरा मिल रहा है आपको, विटामिन ए मिल रहा है, और थोड़ा सा जो सलाद के पत्ते होते हैं उसमें रॉकेट भी है, और वो आइसबर्ग हो गया, आइसबर्ग हो गया, उस पे थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, हाय हाय, दैट इज माय ब्रेकफास्ट, ठीक है, और ब्राउन ब्रेड का एक स्लाइस, ये यानी कि होल भी। तो आपने आपने गुड कार्ब्स भी लिया, आपने गुड फैट भी लिया कॉटेज चीज में, आपने विटामिंस भी लिए, फिर आपने जबरदस्त। अच्छा शेख साहब, आपके लिए कॉल भी है जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन है, कहां से? शुमाइला, टीवी की आवाज बंद कर दो। पांच दहाइयों से शेख साहब टीवी पर आ रहे हो, पांच दहाइयों से हम बोल रहे हैं कि टीवी की आवाज बंद करके कॉल किया करो यार। बताओ शुमाइला, क्या कहूंगी, शेख साहब सुन रहे हैं आपको। वालेकुम सलाम, बताइए। वालेकुम सलाम, मैं शेख साहब से ये पूछना चाह रही हूँ कि इनका कलर इनको कौन सा पसंद है? कलर कौन सा पसंद है यार, कितना क्यूट तुमने सवाल किया। स्क्रैप बुक में लड़कियाँ लिखती क्या है, क्या पसंद? आपका फेवरेट कलर कौन सा है? कलर है क्यूट, ये जो पहना हुआ ब्लैक, ब्लैक से बेहतर कौन सा कलर होता है यार? ब्लैक, व्हाइट, ग्रे, ब्लू, कहते हैं कि जो लोग सक्सेस की बुलंदियों को छू रहे होते हैं ना, वो फिर ये कलर्स पहनना शुरू हो जाते हैं, है ना। मार्क ज़करबर्ग है, वो ग्रे शर्ट्स पहनता रहता है, और इनका फेस मेरे मामू से बहुत मैच करता है। अच्छा, आपका फेस जो है उनके मामू से बहुत मिलता है। अच्छा, तो मामू को मेरा सलाम कहिएगा। जी जी, मेरे मामू का नाम तारिक अमीन है, टेक्सटाइल प्लाजा में होते हैं वो। कहाँ पर होते हैं? टेक्सटाइल प्लाजा में होता है, ठीक है। अच्छा, तारिक साहब इनके मामू का नाम, जी सलाम कह दें तारिक। वालेकुम सलाम, तारिक साहब सलाम अलैकुम जी, बड़ी खुशी हुई आपका नाम सुन के आपकी भांजी से, बहुत शुक्रिया कॉल का शुमाइला। और तो जो है ये ब्लैक कलर कहते हैं, बड़ा जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना उनको ब्लैक बड़ा पसंद आना शुरू हो जाता है, और फिर वो इस चीज से जरा बाहर निकल आते हैं कि जी हम और ये वाले रंग भी पहने। शेख साहब, वार्डरोब जो सेलिब्रिटीज होते हैं ना उनके लिए बड़ा मसला होता है, जी वहां जा रहे हैं तो ये कपड़े होने चाहिए, वहां जा रहे हैं। आपका वार्डरोब कितना बड़ा है, उसमें कितने कपड़े हैं? बहुत है, बहुत है। देखिए, एक तो वार्डरोब एज एन एक्टर, ऊपर से एज अ पर्सन, मुझे शौक है कपड़ों का, बड़ी कपड़े पहनने का शौक है, तो वो भी है। तो एज ए एक्टर होना और फिर इतना काम करना और उसके हिसाब से कपड़े आपके पास होने चाहिए,
बास प्रोडक्शन हाउसेज आपको कपड़े नहीं देते, तो आपको खुद ख्याल रखना पड़ता है। आप ब्रांड कॉन्शियस हैं शेख साहब, या आप कहते हैं कि यार ब्रांडेड चीज ना हो लेकिन क्वालिटी अच्छी हो? मैं ज्यादा ब्रांडेड वो चक्कर में नहीं पड़ता। आई नो व्हाट टू वेयर, वेयर टू वेयर एंड विच कलर टू वेयर एंड व्हाट कॉम्बिनेशन, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो वो दिखता है, है? दिखता है वो चीज़। yes, आपका फैशन सेंस बहुत अच्छा है। तो ये मैं करता हूँ। अच्छा शेख साहब, आपने इतने अरसे काम कर रहे हैं, कोई ऐसा फैशन जो आपके सामने आया हो या अभी एग्जिस्ट करता हो जो आप कहें यार ये बहुत ही बेकार चीज है, इसको खत्म हो जाना चाहिए? ये जो लड़के टाइट पैंटे पहन लेते हैं ना ऐसे करके, ये मुझे बहुत बुरी लगती है। और फिर यहाँ तक पहनते हैं ऐसे करके, और यहाँ से यहाँ तक होती है, अभी गिर जाएगी पैंट जैसी, तो वो फटी भी होती है ना, फटी भी पैंट। अच्छा, आपके जो साहबजादे हैं वो भी जाहिर है स्टार है मुल्क के, उन्होंने कभी ऐसा फैशन किया और आपने कहा कि मैंने घर से निकाल देना अगर तुमने कोई? नहीं, ये नहीं कहता, बट जो मुझे चीज पसंद नहीं आती मैं उसको कह देता हूँ और वो सुन लेते हैं। मगर ये जो मैं कह रहा हूँ ना, इतना नहीं हो जाता। अच्छा। वो है थोड़ा सा, क्योंकि आजकल का ट्रेंड है, यंग बच्चे ये सारा करते हैं, एंड इट लुक्स गुड ऑन देम, यू नो, उस पे उसको अच्छी बहुत लगती अच्छा है। हाँ। मैं ये नहीं उसकी बुराई, मैं मुझे एज अ पर्सन नहीं पसंद, तो वो करता है। अच्छा, अगर यही चुस्त पैंट जैसे आपने कहा या फटी हुई जीन्स वाला, ये जो आपको नहीं पसंद, अगर कैरेक्टर की डिमांड हो तो जावेद शेख साहब करेंगे ये पहन? मैंने किया है। किया है सर, अभी अभी एक फिल्म है, अभी उसकी शूटिंग हो रही थी, उसमें मैंने वही पैंट पहनी। देख ले फिर आर्टिस्ट को क्या क्या करना पड़ता है भाई। जबरदस्त। हमारा बताइए किचन में क्या हो रहा है, क्या सिचुएशन है किचन में अबिन की? और ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि आज आप ये क्यों नहीं बता रही कि ये क्या बना रही हैं? क्या इनसे पूछ ले खुद कि ये क्या बना रही हैं? जी जी, इन्हीं से पूछते हैं। तो मरियम आप बताएं कि आप बना क्या रही हैं? मैं आज कच्चे केले का सालन बना रही हूँ। अच्छा, सालन बना रही हैं क्योंकि कच्चे केले का सालन? जी। अच्छा। आपने खाया कभी शेख साहब कच्चे केले का सालन? ये बांग्लादेश में खाना है ना, कोफ्ते भी बनते हैं। yes. ओ, कच्चे केले के कोफ्ते? जी, मतलब उसमें गोश्त नहीं डलता? नहीं नहीं, केला, सिर्फ कच्चा केला। तो फिर वो कोफ्ते तो ना हुए ना यार, वेजिटेबल कोफ्ते हो गए, केले के कोफ्ते हो गए, बेवकूफ बनाने का सालन। और आप क्या बना रहे हैं? आप क्या बना रहे हैं? फिश कड़ी। फिश कड़ी? फिश कड़ी या फिश करी? फिश करी। फिश करी बना रही हैं आप? ओके ओके। लेकिन अब वही जो मैंने कहा था कि एक ट्विस्ट भी है, क्योंकि इतना आसान तो होगा नहीं। तो ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये है कि आप दोनों रुक जाएं और चूल्हे बंद कर दें, काउंटर से पीछे हो जाएं। क्या? चूल्हे बंद कर दें, बिल्कुल कटिंग वगैरह चूल्हा बंद कर दें, जो भी आपने रखा हुआ है काउंटर से पीछे हो जाएं और सब कुछ छोड़ दें। क्या ट्विस्ट है भाई? और अब मैं रिवील करती हूँ कि सैरिश और मरियम, आप दोनों काउंटर स्विच करें अपना। मतलब वो इधर आ जाएं और ये उधर चली जाएं? चलें, जल्दी करें, आप यहाँ जाएं, आप यहाँ जाएं। क्या जुल्म कर रही हो भाई? अब आपने बनानी है फिश करी और आपने God. बनाने हैं कच्चे केले का सालन। तो वो तो काम शुरू कर चुके हैं भाई, और मैं आप दोनों को जज करूंगी इसी डिश पे। समझ आ गया आप लोगों को? इंग्रेडिएंट्स आपके सामने हैं, वो चाहे जो कर रही थी या आप चाहे जो भी बना रही थी, लेकिन अब आप दोनों ने तो अब सहरिश बना रही है कच्चे केले का सालन। बेटा मजा आएगा तुम्हें, फिश करी जो तुमने बोला था ना मजे से, और आप मरियम बना रही हैं फिश करी। और टाइम उतना ही है, कंटिन्यू कीजिए, आपका टाइम बीच में से हमने रोक दिया था, परेशान ना हो मरियम, कंटिन्यू। मेरा माइंड पूरा कच्चे केले का सालन बनाने का था, पर अब जो ये ट्विस्ट आया है उसकी वजह से बहुत नर्वसनेस हो रही है, और मुझे बोला भी नहीं जा रहा, मेरे होठ का कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बट इंशाल्लाह मैं यहाँ तक आई हूँ तो कुछ ना कुछ करके जाऊँ। कुछ ना कुछ तो बेटा करना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा, नहीं आगे बढ़ के जाऊँ, ये वो ट्रॉफी मेरे अपने घर लेके जानी है। यही पैशन चाहिए। आपने कच्चे केले का सालन मुझे दे दिया, कच्चे केले का सालन। आपको आइडिया है कच्चे केले का सालन बनाया है कभी आपने घर में? बनाया तो है लेकिन सही नहीं बना, मतलब जी चलो कोई बात नहीं, बना लेती हूँ मैं, कोशिश बनाओ, कोशिश करो, कोई मसला नहीं। अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए तो वो बिल्कुल नहीं मिलेगी क्योंकि कॉम्पिटिशन में हो। शाबाश, शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ जी। ऐसा ही होता है, अक्सर आप ऐसी चीजों में फंस जाते हैं, और हमने आपको बताया है डालडा किचन मास्टर में आसानी है
जब आप जीत जाएंगे, उससे पहले मुश्किलात हैं, बहुत सारे पहाड़ हैं जो सर करने हैं, तभी तो आप पहुंचेंगे इतने बड़े कैश प्राइस तक और इतने ढेर सारे इनामात तक जो आपको मिलने वाले हैं। आप यहां से जब जीत कर जाएंगी तो एक तो आपका नाम होगा कि जी फना है जो जीत गई है डालडा का किचन मास्टर, बहुत बड़ी बात होती है। और फिर साथ में आपको जो चीजें मिलेंगी वो आपको हेल्प करेंगी, अगर आप अपना होम बेस्ड बिजनेस खोलना चाहती हैं, अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहती हैं या किसी रेस्टोरेंट में काम करना चाहती हैं, ये सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए करने को। तो थोड़ी सी तो मुश्किलात हैं जिन्हें आपको पार करना होगा, तभी तो पहुंचेंगी आप मंजिल तक, और मंजिल है जीत डालडा किचन मास्टर में। किसकी मुंतजर है वो जीत, ये तो हमें पता चलेगा 30वें रोजे को, अगर 30 हुए वरना 29वें रोजे को पता चल जाएगा। शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पर, ब्रेक से वापस आएंगे तो खूबसूरत कलाम की जानिब जाएंगे अपने सहन में, और ये सब कुछ हो रहा है प्यारा रमजान के इस प्यारे से एक्सप्रेस मोहल्ले में। ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। जबरदस्त, बहुत ही खूब, क्या अंदाज और क्या आवाज माशाल्लाह, इस बच्ची की भी माशाल्लाह क्या आवाज है और कितना खुला पड़ा है इसने, अगर ये टेक्निकल लैंग्वेज ठीक है। शेख साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे इस प्यारे मोहल्ले में आए, एक्सप्रेस मोहल्ले में आए, होप आपका ये वक्त अच्छा गुजरा होगा, ये शाम प्यारी बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत मजा आया। मैं तो आपको कह रहा हूँ ये पहली दफा यहाँ पे आके मुझे ऐसा लगा कि मुझे तो लग ही नहीं रहा सेट पे, और ये वाकई मोहल्ला है और यहाँ पर लोग हैं, बच्चे हैं, इतने खूबसूरत वो जो तस्वीरें बना रहे थे, वेरी गुड।
अल्लाह मियां और मेरे मोहल्ले वाले आज आपको देखकर बहुत खुश हैं। यकीन मानिए कि आज पांचवा रोजा और आज आप आए ना, सबके चेहरे खिल उठे हैं। अल्लाह आपको ऐसा ही रखे, अल्लाह आपको हमेशा पाकिस्तान का नाम रोशन करता हुआ सितारा ही दिखाए। जिस तरह आप पाकिस्तान को दुनिया भर में रिप्रेजेंट करते हैं, अल्लाह करे कि आप और आपसे सीखते हुए हमारी जो आगे नौजवान नस्ल आ रही है वो भी पाकिस्तान को ऐसे ही रिप्रेजेंट करें, स्कैंडलस ना बनाए पाकिस्तान को, पाकिस्तान को स्कैंडल से पाक करवा के अच्छे काम से रिप्रेजेंट करें। बहुत सारी मोहल्ले वाले से कहूंगी तालियां बजा दें जावेद शेख साहब के लिए। जावेद शेख साहब थैंक यू वेरी मच आप यहां पर आए। नाज़रीन इकराम, शेख साहब से हम चाहेंगे इजाजत, मैं इन्हें सी ऑफ करके आऊंगी। आप देख सकेंगे मौलाना तारिक जमील की गुफ्तगू, खूबसूरत गुफ्तगू, खूबसूरत अंदाज बयान और उनकी जो प्यारी बातें हैं, हम हमारे इर्द गिर्द जो मसाइल हैं उनसे मुतालिक और उन मसाइल का हल आप देख सकेंगे उनकी खूबसूरत बातें मौलाना तारिक जमील साहब की। अब टेंशन है, मैं आ गई हूँ इधर ही हूँ यार, मेरी टीम वाले परेशान हो जाते हैं। मैं शर्मीन के साथ हूँ भाई, हमारे सहाफी बरादरी आई हुई है। शर्मीन इज हेयर फ्रॉम इंडिपेंडेंट, रमीशा फ्रॉम इंडिपेंडेंट उर्दू इज हेयर। रमीशा आपको कैसा लगा हमारा सेट? मुझे बहुत प्यारा, आपका माइक नहीं लगा हुआ लेकिन इनको बहुत प्यारा लगा सेट। अच्छा जी, मैं आ गई हूँ इधर। हाँ जी, समिया जी क्या बन रहा है और क्या बन चुका है? बन चुका है, क्या बात है। एक तो इतनी ठंडी हवा, कुदरत का तोहफा आपके किचन में, टेक्नोलॉजी का तोहफा। अच्छा यहाँ पे हमने बनाया फ्राइड चिकन और ये है बारबेक्यू चिकन राइस। Nice. और इसके अंदर वेजिटेबल्स भी है, राइस भी है और चिकन को हमने बारबेक्यू के अंदर जो हमने सॉस बनाया था उसके साथ हमने इसको सर्व किया है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो है वो पीच का जो है वो शरबत है, ठंडा का शरबत, ठंडा ठार। इसको एक ग्लास में निकाल के फ्रिज के अंदर रख, छुपा के रख देना ताकि मैं पी लूं। बिल्कुल, जल्दी से बताइए पीच के शरबत का बताएं कैसे बनाएं। सिंपल, अगर आपके पास फ्रेश पीच अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप अगर टिन के पीच लेना चाहते हैं वो ले लें। उसके अंदर आपने शुगर सिर्फ, कभी भी चीनी का डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करना होता किसी भी शरबत में। उसका जायका जो है ना वो एक बिल्कुल रिवायती शरबत जैसा आएगा, ऐसे घर में जैसे हम हमेशा से पीते हैं। लेकिन जब हम शुगर सिर्फ बनाते हैं तो उसका मार्केट में जो हम कहते हैं अम्मी आप बाजार वाला क्यों नहीं शरबत बनाती, एग्जैक्टली तो आप वैसे बनाएंगे। इसके अंदर आपने बर्फ डालनी है, शुगर सिरप ऐड करना है, पुदीना और लेमन जूस के साथ ब्लेंड करेंगे और ये हल्का फ्लफी होगा। उसके बाद फिर आप इसको जग में डालने के बाद कोई भी सोडा वाटर यानी कि सोडा ड्रिंक आप इसमें शामिल करेंगे व्हाइट, ताकि ये बड़े आपकी मर्जी है, ठीक है। और अदरवाइज ये कोई नींबू पानी आप ऐड करेंगे, ठीक है। ये आपका बिल्कुल तैयार है। चिकन का जो मैं मैरिनेशन बता चुकी हूँ कि आपने सबसे पहले इसमें कोई भी हड्डी वाला गोश्त लेना है चिकन का, लेकिन हमेशा याद रखेगा कि छोटी मुर्गी का लेना है। बहुत बड़ी मुर्गी जब लेते हैं तो वो अंदर से कच्ची भी रहती है, उसमें खून भी निकलता है, एक अजीब महक भी आती है। तो 1.5 किलो वाली मुर्गी के आप लोग पीसेस करवा लेंगे तकरीबन 8 से 10, और अगर आप दुकान को बोले कि चिकन कढ़ाई वाले पीसेस कर दे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आपने उसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करना है, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, सोया सॉस, चिली सॉस, विनेगर, अदरक, ये सब आपने इसको मिक्स करके इसके अंदर आप रखेंगे, इसको दम देंगे धुएं का, और उसके बाद आप डालडा कुकिंग ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे और ये बहुत अच्छा होगा। लेकिन इसमें एक टिप ये थी कि जब आप इस चिकन को मैरिनेट करने से पहले लेमन लेंगे और कोई भी फूड कलर, रेड फूड कलर लेकर आप उसको हल्का सा रब करेंगे। कोई भी फूड कलर कहोगी ना तो उन्होंने नीला लगा देना, नीली चिकन। मुझे भी याद एकदम ही आया तभी मैंने फौरन रेड बोल दिया। चिकन तो आप रेड या येलो में से कोई भी ले सकते हैं और ये कलर आप देख सकते हैं तंदूरी टाइप कलर, तंदूरी चिकन वाला, तंदूरी चिकन है। बहुत शुक्रिया समिया जबरदस्त चीजें बनाने के लिए, जजाक अल्लाह। अल्लाह करे कि तुम ऐसे खाने बनाती रहो हमारे लिए और हम खाते रहे। बिल्कुल, क्या ऐसी हम लोगों को भी इसमें बरकत दे। आमीन 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 आमीन। अच्छा जी, और एक बड़ी खास बात होती है कि जो अच्छे शेफ्स होते हैं वो बड़ी खास दुआएं पढ़ के खाना बनाते हैं ताकि उनके खाने में बरकत रहे। चम्मच लें, मैं हमेशा जो है वो दुरूद शरीफ पढ़ के और अल्लाह अकबर करके मैं खाना बनाती हूँ। एक यूज टू, अच्छा मुझे भी मेरे शेफ ने बताया था कि इससे मोहब्बत, प्यार और आपकी और पॉजिटिव वाइब्स आती हैं जो आप लोगों को खाना देते हैं। तुमने मियां के लिए सीखा होगा मोहब्बत और प्यार बढ़ने। नहीं, उनको वो दिल से रास्ता, पेट का रास्ता दिल से होता है या मुंह से होता है, ये भी आंखों से, मैं आंखों से खाती हूँ, आंखों से। अच्छा जी, डिश आउट हो रहा है क्योंकि इनका वक्त हो गया है बिल्कुल खत्म। देखते हैं कि मरियम ने और क्या नाम था, आयशा, ऐसे ही
आय हाय क्या बात है, ये क्या है, ये बनाना लीफ ओए हो यार, बंगाली स्टाइल में, बंगाली स्टाइल मोस्टली बनाया है। मेरी सास बेसिकली बंगाली है, आप उसका के शो देखती होंगी तो उनको बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो आपकी सास के लिए हमने मोस्टली बनाया है, मोस्टली अच्छा लगे, आई रियली होप कि उनको अच्छा लगे। और यहाँ पर बनाया जी कच्चे केले का सालन, ठीक जी। तुम बड़ी परेशान हो गई थी, अब तुम्हारा थोड़ा सुकून हुआ, मैं तो टिश्यू से जरा पसीना साफ। लेकिन कोशिश अच्छी की है इन्होंने, ये तो अपने किए और बना के रखे हैं इन्होंने। क्या फायदा मेरे ब्यूटी सैलून का अगर मैं तुम्हारा अच्छे से जो है वो ये पसीना साफ ना करूं। तुम मेरे चेहरे पे तो पसीना दिख रहा है, क्यों? क्योंकि जो मैं फाउंडेशन लगाती हूँ ना बड़ी आला किस्म की, मैं तुम्हें ही बताऊंगी, पसीना नहीं आता उससे, पूरी ट्रांसमिशन में मेरे चेहरे पर पसीना नहीं आता। सही है मुझे और हमारा डर हो गया। अभी मैं आपको बताती हूँ, वाकई वो फाउंडेशन उसके ऊपर जो, देखे किचन में हम मेकअप की बातें करें, उसके ऊपर जो मैं यानी पहले जो प्राइमर लगाती हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर जो फाउंडेशन लगाती हूँ, फिर जो एंड में फिक्सिंग स्प्रे होता है, बस ये तीनों हमें सीखना चाहिए। स्वेट प्रूफ फिक्सिंग स्प्रे यानी कि आपको पसीना नहीं आएगा, बस ये हम लोग मैं उधर से भाग दौड़ कर भी आऊंगी ना तो आपको पसीना नहीं दिखेगा। सीक्रेट पता चल गया, अब तुम दोनों का सीक्रेट भी पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है जब बताएंगी हमारा कि एग्जीक्यूशन, टेस्ट एंड अपीयरेंस ऑफ द डिश, मुझे तीनों चीजें याद हो गई। कैसी रही पहले तो बताइए, एग्जीक्यूशन के बारे में, किचन एटिकेट्स के बारे में, सारी चीज। अच्छा, शुरू में तो खैर काफी घबरा गई थी ये, क्योंकि उन्होंने कहा कि शेफ ये तो बिल्कुल ही अलग हो गया, हमने क्या सोचा था अब हम कैसे करेंगे। फिर हमारा मैंने कहा यही हमारा ने कहा जी, तो आपने हमारा की कमेंट हमेशा से, हमें जितने हम लोग देखते आ रहे हैं एपिसोड, हमारा एक एक चीज को नोट करती हैं तो उसे बड़ा डर लगता है हम लोगों को। ठीक है, तो हमारा ने आपको आके कहा कि पहले तो आपने घबराना नहीं, घबराना नहीं है, आपने कहा ठीक है हम घबरा नहीं रहे, फिर क्या हुआ? अच्छा, उसके बाद खैर इन्होंने काफी अच्छा, मैंने देखा कि कंट्रोल किया अपने प्रेशर को, प्रेशर को, और टाइम मैंने देखा, जो मुझे खुशी हुई आज कि टाइम मैनेजमेंट का बहुत ख्याल रखा। वेरी गुड, क्योंकि अभी मेरे ख्याल में फिफ्थ रोजा इज, दिस इज द फर्स्ट टाइम कि मैं किचन में आई हूँ और दोनों चीजें डिश आउट हो गई, डिश आउट हो गई हैं, वरना हम चले जाते थे रोजा कुशाई के लिए और पीछे से चिक्कर चिक्कर, हाँ वो खाना फिर भी मजे का नहीं बनता, फिर भी नहीं मजे का, और सारा वाइंड अप भी किया हुआ इन लोगों ने अभी और बिल्कुल परफेक्ट है अभी फिलहाल प्लेटिंग। एग्जीक्यूशन के आपने अच्छे मार्क्स, अच्छे मार्क्स, उसके बाद अपीयरेंस बताइए। अपीयरेंस के लिहाज से भी मुझे अभी अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगा है मुझे। अकॉर्डिंग टू द फूड, जो हो सकता है वही है, वही है, okay। और बाकी टेस्ट का तो फिर टेस्ट वहीं तो अभी हम बताएंगे कुछ ही देर में। अच्छा जी, किचन की सफाई कितनी इम्पोर्टेंट होती है, मुझे तुम बताओ किचन की सफाई कितनी इम्पोर्टेंट है। किचन की सफाई सबसे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और सबसे ज्यादा हमारी सफाई होनी चाहिए, हमारे नेल्स वगैरह कटिंग होनी चाहिए। क्या बात है यार, इतनी अच्छी है दोनों, मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं ना ये लोग टीवी पर देख के सीख भी रहे हैं, सीख रहे हैं, और ये लोग एक्चुअली देख रहे हैं कि पीछे क्या होता है। हाँ। अब ये लोग जो अगले वाले आएंगे ना वो और तैयार होके आएंगे। तो यार ये तो जो पहले दिन आए उनके साथ ज्यादती हो गई ना। नहीं, ये तो नॉर्मल बात है, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन में आ रहे हैं मैं ये बात बोलूंगी कि आप लोग बाकायदा देखें जो पुराने किसी भी शो के चैनल कॉम्पिटिशन से सीखने को मिलता है, आपको पता होता है कि उनके somehow माइंडसेट हम लोगों का वही होता है। ठीक है जी, अब 3-2-1 के साथ आप उठाएं अपनी प्लेट, समिया आप पहुंचे अपने किचन में, हमारा आप भी समिया के किचन से कुछ उठाएं और मैं भी उठाती हूँ, और हम सब जाएंगे रोजा कुशाई की जानेब। चलें जी, मैं ये उठा लेती हूँ, लाइए मोबाइल, मोबाइल समय अपना मोबाइल कभी ना भूलें। आ जाओ कशफ, तुम भी हमारे साथ, हम बढ़ रहे हैं जनाब अपने रोजा कुशाई के अफ्तार टेबल की जानेब, और आज कौन दो बच्चे हैं ये देखें कितना अच्छा ये वाला लगता है ना, आओ साथ में आ जाओ, साथ में आ जाओ, साथ में, क्या बात है, आइए जी, बिस्मिल्लाह। वो तो ना एड शूट में जो सब खवातीन साथ में दाखिल हो रही होती हैं। गुड, अस्सलाम वालेकुम, दो प्यारी बच्चियां, देखिए हम आपके लिए अफ्तारी लाए, आपका रोजा है ना इसलिए हम आपके लिए यम यम अफ्तारी बना के लेकर आए हैं। तो क्यूट मेकअप भी तो देखो, मेकअप तो इतने क्यूटू से है, ये तो मुझे समिया की बेटी लग रही है, जिमल जैसी लग रही है, जिमल जैसी लग रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैंने अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? फातिमा, फातिमा दिखाओ माइक ऑन है, हेलो हेलो हेलो, ऑन है, थोड़ा जोर से बात करो। फातिमा नूर। फातिमा कैसी हो? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रोजा लग रहा है? नहीं नहीं लग रहा, जबरदस्त। अच्छा रोजा जब खोलोगी सबसे ज्यादा अभी क्या खाने का दिल चाह रहा है? अभी तो सिर्फ पानी पीने का दिल चाह रहा है, गर्मी बड़ी है कराची में, पानी चाहिए सबको। चलो जी ये भी आ गई, अस्सलाम वालेकुम बैठी। आज मियां कहां है, तबीयत ठीक है? नहीं आज इनकी तबीयत ठीक नहीं, आज
मिसलसिल सो रहे हैं वो अभी उठाए अफतारी का टाइम अफतारी बना कर आई है वो रख के आई उनके कने बस मैंने आवाज दी है वो कहने मैंने कहा उठ जाना रोजा खोलने में जा रही हूँ मुझे राबिया ने बुलाया। अच्छा जी आप बताइए आपका क्या नाम है गुड़िया? हाँ ईशल। ईशल आवाज ईशल आपका रोजा है? वाओ रोजा लग रहा है? नहीं लग रहा। अच्छा रोजे में क्या खाना है आपको सबसे पहले अफतार में? जो भी दिल चाह रहा बता दो। हाँ जूस पीना है चलो जूस पिलाते हैं तुम्हें। ईशल मेरे पास आओगी आ जाओ इधर हो जाओ थोड़ा थोड़ा इधर इस तरफ आ करके मेकअप तो दिखा दे। ईशल उठ के इधर आ जाओ तुम्हारा मेकअप भी तो दिखाना है हमने ग्लिटर लगाया हुआ है कितनी क्यूट है और इसका फ्रॉक भी तो देखे कितना पाला बेबी का फ्रॉक है। ईशल आईज तो क्लोज करो मेकअप ओ माय गॉड थोड़ा सा तुम्हारा ये आईशैडो इधर लग गया है कोई बात नहीं इतनी प्यारी लग किसने मेकअप किया है? मामा ने। मामा अच्छा मेकअप करते हैं मामा से मिलवाना मुझे मामा जो है ना अच्छी मेकअप वाली लग रही है मुझे है ना। अच्छा ये बताओ कि सहरी में क्या खाया था? भूल गई पराठा। ओके ठीक है पराठा खाया था। अच्छा प्यारी बहुत प्यारी है भाई दोनों प्यारी प्यारी सी बच्चियां। ये आपके लिए है कोलगेट का तोहफा और ये है आपके लिए कोलगेट का तोहफा। बचपन लग रही ठीक है क्योंकि जी कोलगेट जो है वो बच्चों के करता है क्या दांत मजबूत और साफ तो करता ही है। आप बैठ जाओ वहां पर और जब वो दांत मजबूत करता है तो दांत अंदर से जब बच्चों के मजबूत होते हैं स्ट्रांग होते हैं तो बच्चे भी अंदर से स्ट्रांग होते हैं तभी तो रोजा रख पाते हैं वरना बच्चे कैसे रोजा रखेंगे अगर स्ट्रांग नहीं होंगे। तो बच्चों को कोलगेट यूज करवाएं ताकि वो स्ट्रांग हो उनके दांत स्ट्रांग हो और फिर मजे से रोजे रखें। आपको साथ में ये भी बताएं कि कोलगेट का एक कॉम्पिटिशन होने जा रहा है ग्लोबल आर्ट कॉम्पिटिशन जिसमें बच्चे जो है वो हिस्सा ले सकते हैं। आप कोलगेट का जीएससी का जो पैक है ग्लोबल आर्ट कॉम्पिटिशन का वो अपने किसी भी करीबी स्टोर से खरीद सकते हैं और जब वहां से आप वो पैक खरीदेंगे तो उसके ऊपर दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए और इस आर्ट कॉम्पिटिशन का हिस्सा बन जाइए। अब इस आर्ट कॉम्पिटिशन का हिस्सा आपके बच्चे बनेंगे तो उन्हें मिलेंगे जबरदस्त से इनामात जो उनकी पढ़ाई में और उनको मजीद स्ट्रांग बनाने में बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं। आपका बच्चा भी अगर अच्छा आर्टिस्ट तो आप भी उसका जो आर्ट है वो भेजिए कोलगेट के ग्लोबल आर्ट कॉम्पिटिशन में और उसका हिस्सा उन बच्चों को बनवाइए। जनाब खाने इधर आ गए हैं और हम बात कर रहे थे टेस्ट की और कुछ ही देर में हमें पता चल जाएगा कि टेस्ट क्या होता है। ये बताइए हमारा कि जो आज आपने इनके ऊपर एक तूफान बरपा कर दिया ये बताकर कि वो जो डिश बना रही हैं उनको स्विच करके आपने एक दूसरे की डिश इधर उधर कर दी ये तो बड़ा खतरनाक था यार क्यों ऐसा कर रही हो और क्या आगे वाले मजीद खतरनाक होंगे टास्क? आगे मेरा ख्याल में जो आने वाले कंटेस्टेंट है ना वो उनकी सोच भी नहीं है कि आगे क्या होने वाला है उनके साथ। और समटाइम्स ऐसा हो जाता है इवन प्रोफेशनल किचन में भी कि हम कुछ बना रहे हैं लेकिन एकदम से कोई हादसा हो गया शेफ को कुछ हो गया तो दूसरा आके कवर करता है उसके एरिया को और वो बनाने लग जाता है। ओके तो ये बहुत जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए अगर बांग्लादेश की डिश आप बना रहे हैं तो आपको एक नॉलेज होनी चाहिए उसके हर स्पाइस के बारे में कि अगर फर्श करें मेरे सामने उसकी ए बी की जिसकी भी डिश आ गई है तो मैं उसको कैसे बनाऊं अपने फ्लेवर्स को कैसे मैं इनहेंस करूं। ठीक है जबरदस्त और जब फ्लेवर्स की बात आती है फ्लेवर्स को इनहेंस करने की बात आती है और मजेदार खाने की बात आती है तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि खाना मजेदार नहीं होता घर में और जब भी ऐसा हो तो आपको टेंशन नहीं करनी आपको सिर्फ करना है सबर क्योंकि सबर का फल होता है मीठा और सबर का फल लेकर आता है फूड पांडा और फूड पांडा हमारे लिए अफतार लेकर आता है रोजाना। तो अगर आप कभी घर में कभी मूड नहीं है कभी बेगम बिजी है या कोई भी और बात है कभी वैसे कुछ डिफरेंट खाने का दिल चाह रहा होता है तो आप करें फूड पांडा से अपनी अफतार ऑर्डर और फूड पांडा के साथ जबरदस्ती कीजिए अफतार। और मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि फूड पांडा के राइडर्स का भी रखें खूब ख्याल क्योंकि उन्हीं की वजह से तो हमारे घर टाइमली खाना पहुंचता है उनकी बहुत बड़ी मेहनत और काविश है। आप अपने मियाँ को कहाँ छोड़कर आ गई? मैं कह रही हूँ ना मियाँ की तबीयत ठीक नहीं चल रही है मैं अम्मारा से कह रही हूँ मैं भी बहुत अच्छा कुक करती हूँ। अच्छा। यानी तो आप हमारे कॉम्पिटिशन में
आना चाहेंगी? हाँ, मैं जा रही थी। अच्छा, कुछ इनसे सवाल पूछो ना खाना पकाने का। अच्छा, अभी इफ्तारी के बाद भी बहुत जोर से लग रहा है। नहीं, पूछो पूछो पूछो, मैं चाहती हूँ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। पहले पहले आटा गूंद लेती हैं। अच्छा, हाँ हाँ, बहुत अच्छी तरीके से। वो मैंने सलाउद्दीन को भी सिखा दिया। चलो, सारा काम सिखा दिया, वो ही करते हैं कुकिंग सारे। वो सारे करते हैं। जब तक इन दोनों की बातें चल रही हैं, हम जा रहे हैं ब्रेक पर। कराची और उसके मजाफात में अजान मगरिब का कुछ ही देर में वक्त हुआ चाहता है। الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है कि पाकिस्तान भर के तमाम मुसलमानों ने आज
बखैर खूबी अपना पांचवा रोजा अफ्तार कर लिया है, 5 gone 25 more to go इंशाल्लाह। मेरी पूरी ख्वाहिश है कि इस बार 30 पूरे रोजे हों इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आगे बढ़ेंगे जो डालडा किचन मास्टर के 2 कंटेस्टेंट्स हैं उनकी डिशेस टेस्ट की गई हैं यहाँ अफ्तार टेबल पर, और अब अम्मारा के पास चलते हैं और पूछते हैं अम्मारा से जजमेंट आज के खाने पर। एग्जीक्यूशन का आपने बताया, अपीयरेंस का आपने बताया, टेस्ट के ऊपर आ जाइए। सबसे पहले मरियम, सबसे पहले मरियम आपका मैं बताऊंगी कि ओवरऑल जो फिश है मॉइस्ट है, टेंडर है। आपको मैंने स्पाइसेस का पूछा था, आपने कहा था सिर्फ मैंने सॉल्ट और किसका टर्मरिक यूज़ किया है, तो उसमें फ्लेवर नहीं आ रहा, एक नमक का जो होना चाहिए, अगर आप लेमन भी कर लेती हूँ तो एक फ्लेवर आता। अच्छा, जो आपने करी बनाई है उसमें भी नमक बहुत कम है, और जब नमक कम हो जाए तो फिर बाकी कुछ भी आपने स्पाइसेस डाले हों वो फ्लेवर उसका निकलता नहीं है। चावलों में कोई जायका नहीं है जो आपने उसके साथ सर्व किए हैं। इसके अलावा सहरिश, जो आपने ये कच्चे केले का सालन बनाया है, इसमें जिनके खाने होते हैं यूजली ज़रा खट्टे और तीखे से खाने होते हैं, इनके चटपटे किस्म के होते हैं खाने, तो उस लिहाज से जैसे इसमें एक खट्टापन तीखापन है पन है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब एकदम से एक स्ट्रॉन्ग सा पंच लगता है। केला जो है वो गला हुआ है, क्योंकि मुझे यही था कि आप जिस तरीके से जब स्विच हो गए थे और आप परेशान थी कि ये मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं और ये पता नहीं कम भी लग रहा है मुझे, लेकिन आपने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया है इसको। वंडरफुल। तो इस तरह से आज मरियम और सहरिश में से क्या लगता है आपको शेफ अम्मारा कौन जा रहा है डालडा किचन मास्टर के इस 5th रोजे के राउंड में, 5वें दिन के राउंड में कौन जा रहा है आगे और कौन हो रहा है एलिमिनेट? दोनों की कोशिश बहुत अच्छी है, आज दोनों ने अच्छा बनाया, ये बोलूं पहली बार ये कह रही हैं जी। कोशिश बहुत अच्छी की ओवरऑल, आज मुझे मजा आया इनको देख के, टाइम के लिहाज से और हर चीजों के लिहाज से, टाइम मैनेजमेंट वगैरह। तो आज ये है कि सहरिश आपका सफर यहाँ पे खत्म होता है, नहीं आप आगे बढ़ रही हैं। कंग्रेचुलेशन, क्या बात है यार, इसको बिल्कुल ही नहीं यकीन आ रहा था। देख लो और आजे भाई, दिल छोटा ना करें, दोबारा वाइल्ड कार्ड एंट्री है उसमें कोशिश कीजिएगा। देखा आज मैंने तुम्हारा जो मेकअप सही किया ना उसकी वजह से तुम जीत गई हो। हाँ जी, तो डालडा किचन मास्टर में सहरिश गई है आगे, मरियम क्वालिफाई नहीं कर सकी, मरियम आज एलिमिनेट हो रही हैं, लेकिन आज मरियम की भी कोशिश जबरदस्त रही। देखे रमजान है, रोजा है, टेस्ट नहीं कर सकते, नमक आगे पीछे हो जाता है, हो सकता है मरियम हमारे वाइल्ड कार्ड एंट्री में एक बार फिर एंट्री मार ले, कुछ भी हो सकता है जनाब। और आज जो दोनों हमारी कंटेस्टेंट्स हैं लेमन मैक्स के गिफ्ट हैम्पर साथ लेकर जा रही हैं। इधर आओ तुम्हें एक और खुशखबरी दूं, और मरियम लेकर जा रही हैं एसके की जानिब से एक प्रेशर कुकर गिफ्ट हैम्पर, और सहरिश लेकर जा रही हैं एसके की जानिब से पूरी कुकिंग रेंज घर पर जो यहाँ मौजूद है तुम्हारे लिए। तो और खुश हो जाओ और बैठो। नाज़रीन किराम, ये थी हमारी आज की ट्रांसमिशन, ये था आज का प्यारा रमजान, उम्मीद है कि आपने खूब इंजॉय किया होगा मेरी इस अफ्तार टेबल से, मेरी इस फैमिली की जानिब से, वो फैमिली जो आप लोग हैं जो स्क्रीन के उस तरफ मुझे देख रहे हैं, आप सबका बेहद शुक्रिया। इंशाल्लाह कल 4 बजे दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक अगर जिंदगी रही इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ नासिर।